दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि बाजार की रुख क्या होने वाली है, बाजार की चाल क्या होने वाली, निफ्टी कहां जाके सपोर्ट लेगी, क्या सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी, क्या निफ्टी गिर के क्रैश हो जाएगी, क्या दोबारा से क्रैश शुरू हो गया है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि आप बाजार की गिरावट की शुरुआत दोबारा से हो गई है या बाजार यहां से अपनी जो वी शेप रिकवरी बाजार ने दी थी उसको कंटिन्यू करेगा। दोस्तों आज लाइव सेशन नहीं हो पाएगा किसी कारणों की वजह से, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए और ठीक 9 बजे ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। अभी मैं 6 बजे के आसपास इस वीडियो को शूट कर रहा हूं क्योंकि आज कुछ पर्सनल असाइनमेंट है, तो शायद मैं रात को लाइव सेशन आज ना कर पाऊं। कल से लाइव सेशन दोबारा से कंटिन्यू होंगे दोपहर को 2:30 बजे के आसपास। और आप समझने की कोशिश कीजिए बाजार में हो क्या रहा है। बाजार में कोई भी पॉजिटिविटी के फैक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं बहुत टाइम से, ना ही ऐसी कोई न्यूज़ है जिसको आप सोचें कि बाजार को एक तरफ लेके चली जाए। तो बाजार में जो भी रिकवरी रही वो बुल रन जो आपको देखने को मिला, शॉर्ट टर्म बुल रन जो देखने को मिला, बहुत ही शार्प रिकवरी 7,500 के लेवल से जो निफ्टी वापस 11,800 के आसपास टच हुई, जहां लोगों को लगने लगा कि 12,000 क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद भी और ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बाजार तो बाजार है ना, लोगों को लगता है बाजार बिना फंडामेंटल के भी चल जाता है। बहुत सारे दीवाने लोग हैं, बहुत सारे सट्टेबाज लोग हैं जो सोचते हैं बाजार कहीं भी चला जाएगा। दोस्तों बाजार लेवल्स के बिना नहीं चलता। आप लेवल्स जानना चाहते हैं तो लाइव सेशन हमारे दिन में 2:30 डेली 2:30 बजे होते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होते हैं रात को 9 बजे। आप आया कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। हम लर्निंग करते हैं मार्केट को कैसे देखना है, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को भी देखते हैं कि वो क्या कहें, उसकी भी असिस्टेंस हम लेने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि आज का बाजार कैसा रहा और कल का बाजार क्या हो सकता है। हमें कल अगर जो मेजर शेयर है जो निफ्टी के, हम 3 या 4 स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे जिसमें रिलायंस मुख्य होगा, बजाज फाइनेंस होगा, HDFC बैंक होगा और इंडसइंड बैंक, ये 4 चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और समझेंगे कि कल के लेवल क्या हो सकते हैं, किस लेवल पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस लेवल से हमें ट्रेड करना चाहिए और क्या रिस्क फैक्टर है, क्या बाजार में वाकई निफ्टी में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अगर टाइम हो तभी वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो सेव नाउ कर लीजिए, वॉच लेटर बाद में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल लीजिए, नहीं तो प्लीज आधा अधूरा ज्ञान बेकार है। दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके सामने मैंने वनडे चार्ट लगा के रखा है। वनडे चार्ट क्यों लगा के रखा है? वनडे चार्ट को लगाने के पीछे वजह है मैं बाजार को देखना चाहता हूं कि बाजार के मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ताकि हमें समझ में आए कि बाजार कहां पे सांस लेगा, क्या बाजार बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा, यह समझना बड़ा जरूरी है। चलो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं तो इस चार्ट पे देखने की कोशिश कीजिए, अगर हम एक छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें कि बाजार कहां से कहां क्या एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि बाजार ने सपोर्ट लिया है तो क्यों लिया है, क्यों इस सपोर्ट पे रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आज के लो को मार्क करने की कोशिश करें, अगर आज की क्लोजिंग को मार्क करने की कोशिश करें, तो दोस्तों आज की क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल है, 11,135 के आसपास की क्लोजिंग है। बड़े ध्यान से इस चार्ट को पूरा देखिए, ये वो जोन है, ये वो लेवल है जहां बाजार बार बार आके यहीं पर आके बार बार बाजार ने सपोर्ट लिया। यहां सपोर्ट लिया इसने 3 अगस्त को, 21 जुलाई को ये पोजिशन थी जहां क्रैश हुआ था, 3 अप्रैल को, और ये पोजीशंस थी 19 सितंबर 2019 को, 3 अक्टूबर 2019 को, ये मेजर डेट्स रही। दोस्तों आप समझ के देखिए, ये वो पॉइंट था जहां बाजार ने 11,130 के आसपास के लेवल को बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया। हम ये लेवल को अपने लाइव सेशंस में अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से वॉच कर रहे थे कि हाँ बाजार इन लेवल्स को मैच करेगा, और 11,449 के बाद निफ्टी क्रैश करी, 11,130 के आसपास बाजार रिवर्सल करने की कोशिश कर सकता है, वो एक काफी स्ट्रांग जोन होगा। दोस्तों अब यहाँ पे बाजार मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन में चला जाना चाहिए, थोड़े दिन बाजार को कंसोलिडेट करना चाहिए, यहाँ पे एक चाल बनानी चाहिए अगले फॉल के लिए। फॉल के लिए क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर थोड़ा चार्ट को स्क्वीज करते हैं खेल समझ में आ जाएगा आपको खेल क्या है। अगर मैं यहां से बाजार को देखने की कोशिश करूं तो बाजार में निफ्टी में आपको एक क्लियर कट डाइवर्जन दिखाई दे रही है, जो अभी तक कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं वनडे चार्ट को क्यों देखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लॉन्गर होराइजन में देखना है। जब बाजार में निफ्टी में मुझे एक काफी अच्छा क्लियर कट डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस की कोई खबर मुझे नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल अभी, ठीक है ना। तो अभी RSI भी लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, और बाजार के साथ अब RSI चल रहा है, तो जब यहां कोई रिवर्सल के साइन हमें दिखाई देंगे तो हम बाजार में रिवर्सल की कोशिश करेंगे, वरना उससे पहले बाजार में रिवर्सल के चांसेस कोई नहीं दिखाई देते। अब बाजार यहां से गिरेगा तो गिरे कितना, दोस्तों जब तक बाजार में हमें कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिखाई देंगे हम बाजार में अभी बुलिश होकर नहीं बैठने वाले, ये समझदारी वाला गेम है। आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए,
लीजिए तो कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा भी तो रिकवरी हो जाएगी, यही मूल मंत्र है, ट्रेड विद द ट्रेंड। ओके, अब क्या समझ में आता है, ये तो हमने रिवर्सल देख लिया, बाजार कहां तक जा सकता है वो देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ध्यान से अगर देखें ये कुछ जोन थे दोस्तों, ये कुछ जोन है, अगर आप इनको मार्क करना चाहें, ये कुछ जोन, अगर मैं इसको दोबारा से मार्क कर लेता हूं दोस्तों, एक एरिया है जो मार्क कर रहा हूं आपके लिए, ये है पिंक, हमने 10,800 के आसपास पिंक लाइन को मार्क किया है, पिंक जोन को मार्क किया है, ये एक बहुत ही मेजर जोन रहने वाला है, मेजर पार्ट रहने वाला है, जहां से बाजार एक मेजर सपोर्ट लेगा दोबारा। अब 11,135 के आसपास बाजार बहुत ही मेजर मेजर सपोर्ट लेके काम करेगा, 135 टूटेगा तो बाजार में नीचे में कोई लेवल मुझे खास समझ में नहीं आते, 10,800 तक बाजार निकल सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद ये वो पॉइंट है दोस्तों जहां तक इनको बाजार को मैक्सिमम जो रिकवरी थी, वी शेप रिकवरी, 10,580-10,600 के लेवल तक बाजार को मैक्सिमम रिकवरी देनी चाहिए थी, जो वी शेप की रिकवरी थी, जो इस पूरी जो फॉल थी उसकी 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास होना चाहिए था, पर 61.8% से ज्यादा ये रिट्रेसमेंट हुई और वहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ, ये जो 700-800 का पॉइंट गया था ये मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम जाना चाहिए था, ये आप वी शेप वाली रिकवरी वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए था। अब यहां पे बाजार अगर 10,800 तोड़ेगा, 10,600 और उसके बाद फॉल्स कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है वहां से भी माल बिकना शुरू हो चुका होगा, DIIs भी माल बेच रहे हैं, FIIs भी माल बेच रहे हैं दोस्तों, ये लेवल है, इन पे ध्यान रखिएगा और यहीं से बाजार में आगे की चाल देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में 21,000 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है, बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जिसको बाजार ने फिर से रिस्पेक्ट किया और 21,300 के आसपास आ गया। लाइव सेशंस में कुछ लोगों ने पूछा था क्या 21,000 की हम कॉल ले सकते हैं क्या, हमने वहां डिस्कशन किया था कि हां 21,000 की कॉल लेके पंगा ले सकते हैं, पंगा ठीक है, रिस्क लेने वाली बात थी, और 21,300 के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास, हम 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में खेलने को मिले हैं। अब यहां पे जो जोन निकल के आ रहा है वो क्या है, देखिए चार्ट के साथ खेलेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। अब यहां पे जो जोन मेजर जोन रहेगा वो 21,500 के आसपास करेगा, पहले भी हमने कहा था 21,500 से 21,700 के बीच में बाजार चल रहा था, 21,300 से 21,500 के बीच में बाजार चल रहा था, अभी भी बाजार का रेंज वही है, 21,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलती है तो ही डिसाइसिव मूव आएगी, उससे पहले बैंक निफ्टी में आप बुलिश होने की कोशिश ना करें। बैंक निफ्टी का जो स्पेशल बैंक है जो परफॉर्म कर सकता है वो ICICI बैंक है, उसके ऊपर नजर रखना आप। तो ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के जोन जिसके ऊपर हमें बाइंग करनी चाहिए, 21,000 टूटेगा तो बैंक निफ्टी 20,000 के लेवल तक आराम से एक झटके में आ सकती है दोस्तों, बहुत हैवी प्रेशर होने वाला है बैंक्स के ऊपर में, तो जो बाइंग जोन रहेगा वो 21,500 से ऊपर ही रहने वाला है। दोस्तों रिलायंस भी 2200 के आसपास के सपोर्ट को मेंटेन करता है, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, और 2227 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, ये एक हर्डल है जो इसने हल्का सा क्रॉस किया है, पर जो मेजर हर्डल रहेगा जब तक बाजार में कोई तेजी नहीं आएगी, 2245 से पहले कोई तेजी नहीं आएगी, तो अभी जो रिलायंस है रिलायंस भी एक डाउनफॉल में ही चल रहा है दोस्तों, रिलायंस में कोई खास साइन नहीं दिखाई दे रहा है, अगर 2245 से ऊपर चलेगा तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, बट हाल फिलहाल 2200 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 2200 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाजार 1980 के आसपास से रिकवरी देगा, 2200 के आसपास का सपोर्ट मेजर रहेगा रिलायंस के लिए जो भी पोजिशन काम करना चाहते हैं, और 2200 से नीचे रिलायंस आराम से 2150-2160 के आसपास एक लेवल टेस्ट कर सकता है, जब ही वो रिकवरी की एक चाल देने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं बजाज फाइनेंस कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बजाज फाइनेंस को देखिए 3200 के आसपास के सपोर्ट को मैनेज करता हुआ, पहले भी 3200 के आसपास के लेवल को उसने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, यहां पे एक बाउंस बैक वहां देखने को मिला, पर यहां पे जो मेजर हर्डल रहेगा वो 3300 का जोन अब एक हर्डल का काम करेगा, 3300 से जब तक बजाज फाइनेंस नीचे है वो एक वीक जोन में ही रहने वाला है, तो जो भी बाय करेंगे 3300 से ऊपर ही बाय करने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं HDFC बैंक कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों HDFC बैंक में 1035 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा जो ब्रेक होने की कगार पे है, 1035 अगर HDFC बैंक टूटता है बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर इसको देखने को मिलेगा और ये 1000 रुपए से नीचे खिसक सकता है, 1000 रुपए से पहले खिसकने से पहले 1009 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, वो अगर ब्रेक होता है तो वापस से ये 1000 रुपए से नीचे देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो क्रुशियल सपोर्ट रहेगा 1009 का रहेगा, तो जो भी बाइंग करना चाहते हैं उनका मेजर स्टॉप लॉस 1009 रहना चाहिए HDFC बैंक के लिए। इंडसइंड बैंक का एक जो कंसोलिडेशन रेंज है वो 527 के आसपास और 574 के बीच का एक एरिया है जहाँ पे कंसोलिडेशन है, हालांकि कोई बाइंग के साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर में, और बाजार में जो सपोर्ट रहेगा बेसिकली 527 का रहेगा, 527 ब्रेक करेगा तो इंडसइंड बैंक और भी ज्यादा गिर सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में जितनी भी एनालिसिस किया उसको प्लीज अपनी एनालिसिस से मैच करें उसके बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि किसी भी दी गई एनालिसिस के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करना अच्छी बात नहीं होती, वो एक रिस्की फैक्टर हो सकता है, मैंने किया है इसका मतलब ये नहीं पत्थर की लकीर हो गया, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए, अपने एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।